चलो भाई घर आ गए, गेट खोल लो। एक पहले से खुला हुआ गेट, मतलब के कुछ बाहर गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं गया था बाहर, और किस काम से गया था तो ये रहा। तो दोस्तों ये मैं लेकर आया हूँ स्प्रे वाइट कलर का, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे जो बजेज हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो वहाँ पे नहीं रह पा रहे। तो इस वजह से आपका भाई स्प्रे लेकर आ गया, और आज हम इनका फाइनल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। आज हम नया जो बजेज का पिंजरा है उसको कलर वलर कर करा के पूरा नया कर देंगे एकदम, और उसके अंदर इसको हम कर देंगे शिफ्ट। तो चलें जल्दी से लेके चलता हूँ, उसको कलर करते हैं और इनको करते हैं आज शिफ्ट। क्या तुम यहाँ ही अंडा मत दे देना। दोस्तों मैंने सारों को खिला दिया था, ये आखिरी रह गई थी, तो उसको मैं खुला यहाँ छोड़ गया था। मैंने बोला ये आराम से खाना पीना कर लेगी अपना, इसको जो हम खुला ही रहने देते हैं आज। तुम क्या उसको भरम दिखा रही हो यार, ये उसको भरम दिखाती रहेगी, उसने पानी गिरा दिया होगा 100%। तो दोस्तों ये रहा वो पिंजरा, इसको हमने करना है कलर। तो ये देखें कितना साफ सुथरा हो रहा है, इसको साफ सुथरा करके रखा हुआ है, इसकी प्लास्टिक वगैरह निकाल के हम इसको लेके चलते हैं डायरेक्ट छत पे। तो आ जाए। अच्छा यार मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं सोचा था कि इसको यहाँ पे रखते हैं इधर, और यहीं पेंट कर दूँ, मतलब स्प्रे मार दूँ। लेकिन दोस्तों बहुत कंजेस्टेड जगह हो रही है, वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इस वजह से मैंने सोचा नहीं यहाँ नहीं करते हैं, छत पे लेके चलते हैं, खुले उसमें बनाएंगे और इसको धूप में रख देंगे, ये जल्दी सूख जाए, और सूखने में तो ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। लेकिन शिफ्टिंग हमने आज ही करनी है इनकी बजेज की। चलो भाई दोस्तों मौसम का ऐसे ही चल रहा है, कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल। देखें अभी साया हो गया बिल्कुल हल्का हल्का, ये देखें धूप आ गई अचानक, तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हफ्स और गर्मी बहुत शदीद है यार, मैं ही सोच रहा हूँ कि कैसे करूँगा। खैर चलें इसको स्टार्ट करते हैं कलर। दोस्तों इसको तो रंग कर दिया है, पर एक चीज़ यार ख़राब हो गई, जो मैं सच सच बताऊंगा कि ये जो है ना हमारा कलर, ये जो कोई सा भी कलर है किसी भी कंपनी का, लेकिन स्प्रे बेकार है। क्योंकि मैंने सोचा था कि इस स्प्रे में ना मैं दो पिंजरे आराम से निपटा दूंगा, पर ये एक में निमट गया। अब ये नहीं है कि मुझे करना नहीं आया ये वो, दोस्तों इतना स्प्रे फैला भी नहीं है, सारा इसी पे लगा है, और देख लें आप सारा का सारा, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ, बल्कि इसका पीछे का हिस्सा रह गया। तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर ऑयल पेंट लाके कर देता तो बहुत अच्छा था, ये बेकार रहा स्प्रे, स्प्रे का मज़ा नहीं रहा। तो चलें दोस्तों इसको रख जाते हैं यहाँ पे, ये जब तक सूखता रहे हम नीचे चल के हमारी जो होगोरोमो की मादा है उसको शिफ्ट कर देते हैं पहले, फिर ये सूख जाएगा थोड़ी देर तक, थोड़ी देर इसको रहने देते हैं, एटलीस्ट 15-20 मिनट तो नीचे चलते हैं और उसकी मादा को शिफ्ट करते हैं। आ जाए मैं कहाँ गई ये री। चलो तुम्हारा बंद होने का टाइम हो गया। अरे कैसे बात की है, तभी बांधा हुआ हमने इसको, देख रहे हैं दोस्तों ये ऐसे निकलती है, इसे पता नहीं कभी हाथ नहीं आएगी। चलो उसके समाधि को मैंने इसके साथ छोड़ा था, मुझे लग रहा है कि इसने इसको मारा है। हाँ इधर आओ, ठीक आओ, हाँ ठीक है, हल्की सी लगी हुई है परों पे इसने, शायद वो पर निकाल लिया होगा ना, उधर से खून आया हुआ है। ये मारा किसने, वो मार रही है इसको मादा। हाँ हाँ पूरा खाया है, सेट हो जाएगी अभी, अगर मैंने निकाल दिया ना तो फिर ये वैसी रहेगी, अभी इसके साथ रहने देता हूँ, ये अब सेट हो जाएगी कुछ अरसे में इंशाल्लाह। चलो भाई दोस्तों हम आ गए, आ जाओ मादा तुम्हारे को। यार मैंने सोचा था इस पिंजरे को भी कलर कर दूंगा, इससे अच्छा तो दोस्तों इसको कलर करके ना इसमें शिफ्ट कर देते, इसमें सही रहता है, बड़े वाले को खामा खाई कर दिया। ये लो भाई तुम्हारी दोस्त आ गई, आपका पार्टनर पहचाने। अरे 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 दूर से ही, दूर से ही दोस्त इनको समझ आएगी, हाँ भाई मेरी पार्टनर आ गई, देखिए एक दूसरे को बुला रहे हैं दोस्तों। कैसे बुला रहे हो यार, कसम से वाला खोलूँ ये वाला खोलूँ, ये डायरेक्ट चली जाएगी, ये बेहतर हल रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ years later. उसको निकाल के ही करना पड़ेगा भाई, उसको नजर ही नहीं आ रहा कि मुझे जाना है कहाँ से। ग्लव्स पहन लूँ दोस्तों वरना ये काटेगी बड़ा गंदा मेरे। इसने मेरे ऐसा काटा है हाथ पे, इस जगह पे टाइट उंगली पे मेरे पकड़ लिया था, वो तो मैं जल्दी छोड़ दिया। मादा है ना ऐसे ही करती है फीमेल, और इसको पकड़ने में भाई यही काम आता है, और एक चमड़े का होता है वो लाजमी रखे, वरना इनकी चोंच जो होती है ना आपकी बोटी उखाड़ दे दोस्तों। तो भाई ये आ गए साथ, खुश हो अब हैं। अबे यार इसको पकड़ने के दौरान थोड़ा सा इसका जो एक वो है ना फूल, वो थोड़ा सा वो हो गया मेरे से, बस होता है क्या करें, डालना लाजमी था दोस्तों, खोल के डाल लो जाएंगी रही वो।
तो भाई माशाल्लाह खुश हो दोनों? हाँ भाई दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। तो चले दोस्तों, इसको तो शिफ्ट कर दिया है। और मुझे एक चीज़ का दुख हो रहा है कि हमारा ये पिंजरा, लेकिन दुख नहीं हो रहा दोस्तों, मेरे पास कलर पड़ा हुआ है जो हमने अपने इस पे करा था वाइट, तो वो कलर पड़ा हुआ है। अब वही कलर मैं करूँगा इस पे, तो चले वो कलर बनाते हैं और इसको भी आज ही निपटाएंगे। ये हमारे पास अच्छा खासा पड़ा है, तो यही इस पे कर देते हैं और देखते हैं फिर वो करेंगे, देखेंगे कि वाला ज़्यादा अच्छा है ये वाला। ठीक है दोस्तों, मैं इसको जल्दी से निपटाता हूँ और उसके बाद इसमें डालते हैं भजस। तो दोस्तों, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद हमने दोनों को कलर कर दिया है और ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। अब इन दोनों को थोड़ी देर रखे रहने दे ताकि सूख जाएं, फिर इनके अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरे हाथों की हालत देख रहे हैं आप लोग क्या हो गई है। तो दोस्तों, बहुत गर्मी थी लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने ऐसी हवा चलाई है कि मेरा काम आसान हो गया। खैर तो दोस्तों, मेरे पास जो होता है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि आप लोग भी जो चीज़ है उसमें खुश रहें और स्टार्टिंग ले लें। जिसको भी शौक है बनाने का वो लाजमी बनाए करो यार वीडियो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत चीज़ें चाहिए हों, नहीं, जो है उसमें खुश रहना सीखो। खैर दोस्तों, तो ये जब तक सूख रहा है तब तक मैं अपना कर भी आऊँ, और मैं बहुत ज़्यादा अनफिट फील कर रहा हूँ इन कपड़ों के अंदर, यकीन जाने। मैं चेंज वेंज करके नहावा के आपसे एक घंटे बाद मिलता हूँ और बजिस को करते हैं डायरेक्ट शिफ्ट पर। ठीक है, यार दोस्तों मैं नहा कर आया, मैंने बाल भी नहीं होना है, और मैंने इसको देखा, इसने अच्छा खासा इसको जख्मी कर दिया है यार। ये देखें, अच्छा खासा जख्मी कर दिया है वो रही, उसके मुंह पे भी खून लगा हुआ है, इसको हमने अलग करना ही पड़ेगा। हाँ जी, खांसी लग गई है इसके, खून आ रहा है पूरा। इसके मैं दवाई भी लगा दूँ पायोडीन वगैरह ताकि जख्म सेट हो जाए इसका। तुम इसके अंदर ही रहो फिलहाल, इसको इंशाल्लाह एक से दो दिन में फिर वापसी करके तरीके से छोड़ेंगे। तो चले दोस्तों, डब्बा ले लिया है मैंने बजट का और ऊपर जा रहा हूँ, और इनको करते हैं छत पे शिफ्ट। मेरी टांग जल्दी भी गिरता। तो माशाल्लाह दोस्तों, हमारे आप देख सकते हैं एक ये वाला पिंजरा और एक ये, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खैर जो भी, ये काम हो गया हमारा और बहुत अच्छा लग रहा है। चले इनको शिफ्ट करते हैं एक एक करके। ये इसी पिंजरे में अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, खूबसूरत। मैं इनको डाल रहा था तो मुर्गियां देखने आ गई हैं क्या लेकर आया, देखते हैं क्या करती है। परेशान हो गए हैं, बोल रहे हैं पता नहीं क्या लेकर आ गया क्या, देखना जरूर आएंगे करीब और कुछ ना कुछ तो करेंगे देखने के बाद। तो चलें दोस्तों, इनको लेके चलते हैं अब नीचे और इनकी जगह पे लटकाएं, और फाइनली ये शिफ्ट हो गए अपने न्यू होम में। हेलो भाई, इनको नीचे ले आया हूँ, आज ये अपनी नई मंजिल पे पहुँच जाएंगे। यार मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे, एक मिनट मैं इनको लटका दूं पहले। तो ले भाई दोस्तों, इनको अपनी जगह पे मैंने लटका दिया है। यहाँ पे एक और पिंजरा वापसी आ गया, एक वापसी की वापसी वही सेटिंग हो गई। देखें अभी कितना डर रहे हैं, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे लाके लटकाया है कि इनका डर खौफ निकले। इनको डेली बेसिस पे यहाँ से निकाल दिया करूँगा, खाना खिलाने मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इनका डर निकालना है लाजमी। ये देखें दोनों चिपके हुए, चलो अभी सही होगा कि भले चीखते भी रहें एक दो दिन में खुद सेटिंग में आ जाएंगे। तो लो भाई नया पिंजरा, इनको देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है पिंजरा। तो दोस्तों फाइनली मिनी बर्ड के सेटअप में इन दोनों की भी हो गई शिफ्टिंग। अब मिनी बर्ड के सेटअप का जो हमारा बड़ा हिस्सा है, इस जगह का मैंने मिनी बर्ड के नाम रख दिया सेटअप पूरे का पूरा। ठीक है ना दोस्तों, अब ये दोनों भी इधर ही आ गए और अब आइंदा से ये इधर ही रहेंगे, तो इनका जो है दारोमदार अब यहाँ ही रहेगा। तो खैर माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इसको रंग वंग करके खूब बेहतरीन हो गया, खूबसूरत लग रहा है। बाकी दोस्तों, हमने यहाँ पे ओगोरोमो की मादी भी शिफ्ट कर दी थी माशाल्लाह से, वो देखें वो सेट है, उसका नफला काफ़ी सेट हो गया है। अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अब इनको कल ही देख, चलो टाटा कल मिलेंगे, ठीक है ना।